नमस्कार, मैं हूं अदिति। फैक्ट चेक में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया के जमाने में हर दिन कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस वायरल किए जाते हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक नाता नहीं होता। ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम इस तरह की फैलाई गई खबरों के प्रति जागरूक रहें और आंख मूंद कर उन पर विश्वास न करें। कई खबरें तो किसी सार्वजनिक हस्ती की इमेज तक खराब करती हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस होते हैं जिनका समाज पे गलत असर होता है। खबरों की इस बाढ़ में जरूरी है कि हम जिन फोटोज या वीडियोस पे संदेह है उसे फैक्ट चेक कर लें। आज ऐसी ही कुछ खबरों की हम पड़ताल करेंगे और उनके पीछे का सच क्या है वो आपके सामने लाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस वायरल वीडियो की जिसमें दो बेहद भीड़भाड़ वाली ट्रेनें दिखाई दे रही हैं। इनमें से एक पुल के नीचे से और दूसरी उसके ऊपर से गुजर रही है। रेलगाड़ियां खचाखच भरी है। वीडियो को भारत का बता के लगातार शेयर किया जा रहा है। पड़ताल में आगे वायरल दावे का पूरा सच क्या है वो आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर में उस वायरल वीडियो की पड़ताल करेंगे जिसके जरिए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। पड़ताल में आगे वायरल दावे का पूरा सच क्या है वो भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का फैक्ट चेक। ट्रेनों के वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया वो सबको चौंका रहा था। वीडियो को भारत का बता के लगातार वायरल किया जा रहा है। वीडियो में दो ट्रेनें यात्रियों से खचाखच भरी हैं। भीड़ इतनी है कि यात्री अपनी जान की परवाह किए बगैर ट्रेन की छत पे बैठे हैं। सभी कोच और उनकी छतें लोगों से भरे हैं। वीडियो में दो ट्रेनें एक साथ गुजरती हुई दिखाई पड़ रही हैं। उन दोनों ट्रेनों की हालत एकदम बराबर है, लेकिन जब इस वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो बेहद भीड़भाड़ वाली ट्रेनें दिखाई दे रही हैं। जिनमें से एक पुल के नीचे से और दूसरी उसके ऊपर से गुजर रही है। ये वीडियो भारत का होने का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेलगाड़ियां खचाखच भरी हुई थी, लोग छतों पर बैठे थे, दरवाजों से चिपके हुए थे और हर इंच जगह घिरे हुए थे। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारत में सुरक्षा गैर कानूनी है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पे ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो बेहद भीड़भाड़ वाली ट्रेनें दिखाई दे रही हैं और इनमें से एक पुल के नीचे से और दूसरी उसके ऊपर से गुजर रही है। रेलगाड़ियां खचाखच भरी है, लोग छतों पे बैठे हैं, दरवाजों से चिपके हैं। इसे भारत का बता के शेयर करते हुए तंज कसा जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ क्या है ये जानना जरूरी था, लेकिन सर्च के दौरान किसी भी आधिकारिक मीडिया आउटलेट पर इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन जब हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा तो उसमें हमें कुछ बंगला शब्द लिखे हुए नजर आए। ऐसे में ये सवाल था कि क्या वीडियो पश्चिम बंगाल का है, लेकिन अगर वीडियो पश्चिम बंगाल का होता तो फिर वहां के लोकल्स मीडिया पर ये वीडियो सुर्खियों में जरूर दिखाई देता, लेकिन सर्च के दौरान वीडियो से जुड़ी ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। ऐसे में हमने वीडियो को सवालों की कसौटी पे कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच है तो वायरल वीडियो भारत के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और जगह के वीडियो को भारत का बताकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। आइए देखते हैं पड़ताल में क्या सामने आया। वायरल वीडियो के की फ्रेम्स पर रिवर्स इमेज सर्च से हमें अप्रैल 2024 की कई न्यूज रिपोर्ट्स मिली। 14 अप्रैल की एक आधिकारिक रिपोर्ट में ये जानकारी मिली कि वीडियो बांग्लादेश में ईद उत्सव के दौरान का है। दो ट्रेनों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सर्च के दौरान ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि वीडियो वास्तव में बांग्लादेश का है। वीडियो को गौर से देखने पर एक बात और सामने आई कि एक ट्रेन गहरे हरे रंग की थी और दूसरी नीले रंग की। ट्रेनों पर लिखा संदेश बांग्ला में प्रतीत हो रहा था।
इस जानकारी के आधार पर हमने सर्च किया। इस दौरान हमें बांग्लादेश में वायरल वीडियो जैसी ही ट्रेनों की तस्वीरें मिली। एक आधिकारिक वेबसाइट पर एक तस्वीर मिली जिसका कैप्शन था ढाका बांग्लादेश और उसमें तारीख थी 9 अगस्त 2019। दरअसल 9 अगस्त 2019 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ईद अल अधा की छुट्टी से पहले लोग ट्रेन पर चढ़ गए। भीड़ इतनी हो गई कि नीचे जगह नहीं मिलने पर लोग ट्रेन की छतों पर चढ़ गए। लोग इसी तरह सफर करके अपने घरों तक पहुंचे। हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर वायरल वीडियो में पुल के ऊपर से दौड़ती ट्रेनों की तस्वीरें भी मिली, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि वायरल वीडियो बांग्लादेश का ही है। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल वीडियो भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश का है। विकास भदौरिया के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि रोनाल्डो ने फिलिस्तीन के समर्थन में ये वीडियो जारी किया है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में। इसराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के बीच दक्षिणी गजा पट्टी में बसे रफा शहर की तबाही ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हाल ही में रफा में शरणार्थी शिविर पर हुए हमले के बाद दुनिया के कई देशों ने इसराइल की आलोचना की है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बार फिर स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने गाजा का समर्थन किया है। एक फेसबुक यूजर ने इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, रोनाल्डो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। वी नो दैट यू हैव बीन सफरिंग अ लॉट। आई एम अ वेरी फेमस प्लेयर बट यू आर द ट्रू हीरोज। डोंट लूज योर होप। द वर्ल्ड इज विद यू। वी केयर अबाउट यू। आई एम विद यू। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर इसी से मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि रोनाल्डो ने फिलिस्तीन के समर्थन में ये वीडियो जारी किया है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पे ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ क्या है, ये जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले रोनाल्डो का पूरा बयान सुना, आप भी सुनिए रोनाल्डो इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। True, you. We know that you have been suffering a lot. I am a very famous player, but you are the true heroes. Don't lose your hope. The world is with you. तो सुना आपने, वायरल वीडियो को सुनने से ये इशारा तो जरूर मिल रहा है कि वो किसी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये फिलिस्तीन के लिए ही है ये बात क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि अगर रोनाल्डो ने फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ भी कहा होता तो ये हर आधिकारिक मीडिया आउटलेट पे सुर्खियों में होता, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो इसके अलावा फैक्ट चेक टीम ने रोनाल्डो के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला, लेकिन वहां पर भी हाल फिलहाल में ऐसा कोई भी वीडियो या पोस्ट नहीं मिला जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो। ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पे कसा। तो पहला सवाल ये कि अगर दावा सच है तो रोनाल्डो ने बयान कब और कहां पर दिया। दूसरा सवाल ये बनता है कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके यूजर्स को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। आइए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के हाथ क्या लगा। इन सवालों का जवाब जानने के लिए गुड न्यूज टुडे के फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात शुरू की, क्योंकि अगर स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गजा के समर्थन में कोई भी बयान दिया होता तो ये हर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स पर सुर्खियों में होता, लेकिन सर्च के दौरान दावे को लेकर कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। हमने इस वीडियो के की फ्रेम्स को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च किया तो हमें ये वीडियो रोनाल्डो के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2016 को अपलोड मिला। इसके साथ कैप्शन में लिखा था, सीरिया में संघर्ष से प्रभावित बच्चों के लिए आशा का संदेश। आप भी सुनिए आखिर रोनाल्डो ने इस वीडियो में क्या कहा था। हेलो, दिस इज फॉर चिल्ड्रन ऑफ सीरिया। वी नो दैट यू हैव बीन सफरिंग अ लॉट। आई एम अ वेरी फेमस प्लेयर बट यू आर द ट्रू हीरोज।
Don't lose your hope. The world is with you. We care about you. I am with you. हमें ये वीडियो 2016 में और भी कई सोशल मीडिया पेज पर अपलोड मिली। सभी में रोनाल्डो को सीरिया बोलते हुए सुना जा सकता है। मतलब साफ था, रोनाल्डो ने सीरिया कहा था और इस शब्द को हटाकर वहाँ गजा कर दिया गया। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा दावा गलत है। वायरल क्लिप 2016 की है, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सीरिया के बच्चों के समर्थन में ये वीडियो जारी किया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे। ऑफ सीरिया, वी नो दैट यू हैव बीन सफरिंग अ लॉट।